बैठ जाओ। देखो वेट कम करने के लिए चार अभ्यास खड़े होके ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और जो जिनको कमर में दर्द है पाद हस्तासन ना करें, पश्चिमोत्तानासन ना करें, कोई बात नहीं, ये बैठ करके कर ले। स्थित कोणासन, चक्की आसन और पश्चिमोत्तानासन, जो जिससे बन पाए। लेकिन ये 100-100 बार कराते हैं और ये कर रहे हैं 100-100 बार, खास बात ये है। और इससे कमर, पेट, पीठ एकदम हल्के हो जा रहे हैं। और तुम खा क्या रहे हो, लौकी कल्प कर रहे हो कि बीच बीच में गड़बड़ करते हो? तो 12 दिन वाटर फास्टिंग भी की है, तो हम लौकी कल्प भी कराते हैं, द्राक्षा कल्प भी कराते हैं, अलग अलग जैसे रोगी की अवस्था होती है। अब जैसे माता जी कितने साल की होगी थी, माँ 63 साल की है, लेकिन ऊर्जा जबरदस्त है माता जी में। तो ये माता जी 100-100 बार करती है, हा? अभी भी इतनी फास्ट कर रही है बालकों की तरह एकदम। मेरा लक्ष्य है स्वामी जी के पूरे एरिया में मैं करवाऊंगी। माता जी कह रही है सबको जाके करवाऊंगी अब। अच्छी बात है, ऐसे जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो ज्यादा मत झुकना, बाकी कोशिश करना आगे पूरे झुक गए और पीछे ऐसे। आज हरिद्वार में ठंड खूब है, मेरे भी हाथ एकदम ठिर रहे हैं। ऐसे में भी भीतर से गर्मी आ जाती है, आराम आराम से करना, आधा आधा कर लो ऐसे। अच्छा, ओ क्या हो गया, अब इसको फायदा हो गया? इसको तो, हाँ ये तो रो रही थी उस दिन। हाँ चलो चक्की आसन करो, गोल घुमाओ चक्की की तरह। हाँ बाबा, पोटी पोटी प्रणाम। गोड्डे का दर्द ठीक कर लिया? हाँ जी, घुटना में थोड़ा थोड़ा सह दर्द। तो ये कितनी उम्र हो गई? आँख्या में 62। आँख में? आँख्या में खुजली चलती है। हाँ हाँ हाँ, ये तो रो रही थी उस दिन। अब क्या हाल है? अब थोड़ा थोड़ा सह आराम। अब आराम होना शुरू हो गया। इसकी आँखों में इतनी भयंकर खुजली चलती थी, पानी पानी आ रहा था, गिरता था, और गोड्डे भी दुख रहे थे। हाँ जी, अब फायदा कर लिया, चलो आशीर्वाद। और इसका तुम इसके घर वाले हो? मैं इसका घर वाला हूँ, मेरे को हार्ट अटैक था, तीन छल्ले पड़े। हाँ, अब इस मेरे को देख करके कहती है तू ठीक होगा, मैं क्यों नहीं हो रही ज्यादा। तेरी बीमारी लंबी है, बाबा ने बोला है 1 साल में तेरी एलर्जी जाएगी, 3 साल में तेरा घुटनों का दर्द जाएगा। तुम मेरे क्या देख रही, मेरे सीने में दर्द होता था छलों में, अब ठीक हो गया? अब ठीक है, ये लो पेट। चलिए जो आपके पास स्वामी जी जा रहा हूँ, ठीक हो ही रहा है। कम कर लिया, जो घर बैठे भाई छल्ले डले हुए थे, पेट जो है छाती से बाहर निकलता था, गर्मी में बहुत बदसूरत लगता था। क्या बात है, चलो पेट छाती से बाहर निकलता था बाबा जी, अब ये करो। चलो जो घर बैठे हैं स्वामी जी उनको ठीक करना है। और आप योगाभ्यास करते करते जरा कुछ और छोटी-छोटी बातों पर अपनी चलो भाई अपनी राय दे दीजिए स्वामी जी। ये रिसर्च कहती है कि ज्यादा पानी पीने से वजन जरूर, जो है, जरूर आप प्रश्न पूछ लीजिए। जी जी स्वामी जी, ये रिसर्च बताती है कि पानी पीने से वजन कम करने का सीधा कनेक्शन है, यानी अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको पानी पीना चाहिए ज्यादा। तो मतलब कितना पानी पीना चाहिए, जरा इस पर बताइए आप। तो जिनकी किडनी अच्छी है वो 3 से 4 लीटर पानी पी ले, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है तो 1.5 लीटर पर आ जाए। जब 5-6 आप बढ़ जाता है क्रिएटिनिन, तो फिर 1 ही लीटर, कई बार तो 0.5 लीटर पानी पर भी रोकना पड़ता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। तो लेकिन स्वस्थ आदमी को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, और गोखरू का पानी पीना चाहिए जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो।
उससे हमने बहुत लोगों की यूटीआई की प्रॉब्लम अच्छी की है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अच्छी की, और गोक्षरादी गोगोल चंद्र प्रभावटी और पुनर्नवादी मंडोर घर पर ले लें। अभी प्रोस्टोग्रिट उसकी नई औषधि भी बना दी है। जिनका वजन बढ़ा हुआ उनको गर्म पानी में नींबू, थोड़ा सा शहद, अदरक, और बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है तो अश्वगंधा के पत्ते भी उसकी उबाल के चाय पी सकते हैं, अश्वगंधा की चाय। जैसे कोरोना में हम काढ़ा बताते हैं ना, ऐसे वेट में काढ़ा अश्वगंधा उसमें डाल ले और अश्वगंधा के साथ साथ लंबे लंबे श्वास लो, करो इसको 25-50 बार से लेके 100 बार तक करना है। अश्वगंधा के पत्ते के साथ साथ थोड़ा तुलसी के भी पत्ते डालो, उसी में थोड़ी अदरक भी डाल सकते हैं। और जिनको बहुत ही ज़्यादा वजन कम करना हो तो जो है जो का ये जो रखा है बारले, बारले को हमने ये ऊपर से इसका छिलका उतार के भी रखा हुआ है, तो जो का ड्रिंक पिए। कुछ लोग तो बारले को पानी के चक्कर में वो पीते हैं, जो को सड़ा करके क्या बोलते हैं, बियर, बियर पीते हैं लंबे लंबे श्वास। तो जो जो है उसको रात को करीब 50 ग्राम जो भिगो दें करीब 1.5 लीटर पानी में, और थोड़ा उसमें दालचीनी भी डाल दें, सुबह उसको उबाल लें, और जब 1 किलो बच जाए तब उसी को छान करके 2 बार में पी लें, 2-3 बार में 1-1 गिलास करके पी लें उससे। उसमें थोड़ा सा गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में थोड़ा सा मैंने कहा नींबू, अदरक और थोड़ा सा शहद मिला के ले सकते हैं, डायबिटीज़ है तो शहद की ज़रूरत नहीं है, तो इससे भी वेट कम हो जाता है। गोधन अर्क पीने से वेट कम हो जाता है। वैसे तो मेदो हरबटी त्रिफला गुग्गल से भी वेट कम होता है, मेदो हरबटी 2-2 गोली, त्रिफला गुग्गल 2-2 गोली। और अभी तो वेट कम करने वाले जितने भी फाइटोकेमिकल्स अलग अलग जड़ी बूटियों में मिलते हैं उनको हमने फार्मुलेशन करके वेट को भी बना दिया, लंबे लंबे श्वास।